विक्टोरिया का आरओआई करने जा रहे हो तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया का आरओआई लॉन्च कर रहे हो तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर लास्ट ईयर आरओआई किया था तो इस साल नया आरओआई करना पड़ेगा, पुराने वाला नहीं चलेगा। सो यस, कल से प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो अगर आप अपना आरओआई लॉन्च करना चाहते हो तो प्लीज नया आरओआई लॉन्च कर दीजिएगा। ईओआई पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन जो आरओआई कर रहे हो वो नया चाहिए। दूसरा, विक्टोरिया ने ऐसा बताया कि इन्विटेशन राउंड कब कब होंगे, तो इसके बारे में विक्टोरिया ने थोड़ा सा डार्क रखा है कि कब इन्विटेशन के राउंड होंगे वो नहीं बताएंगे, वो हमें डार्क में रखेंगे। जब भी उनको मन पड़ेगा तब इन्विटेशन भेज देंगे। सो यस, एवरीबॉडी हैज टू वेट, और कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई इन्विटेशन राउंड कब होने वाला है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरओआई में सिलेक्शन के फैक्टर्स, आपका आरओआई कौन से सिलेक्शन फैक्टर से सिलेक्ट किया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विक्टोरिया में आरओआई कर रहे हो तो उन्होंने एज, इंग्लिश, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेवल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन स्किल लेवल, पार्टनर स्किल, ये सब उन्होंने इंक्लूड किया है। लेकिन सबसे जरूरी बात, सैलरी। अगर आप ऑनशोर हो तो आपका सैलरी विल प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका एनुअल सैलरी कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा जरूर। थैंक यू।